आप देख रहे हैं मनी गुरु की खास पेशकश। हमारे साथ मिस्टर हर्ष शुंगटा मौजूद है। एनआरआई के लिए दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एनआरई और साथ ही एनआरओ। एनआरई अकाउंट को लेकर कुछ सफाई हाल में आई थी टैक्स विभाग की तरफ से, उसको हमने जाना और समझा। लेकिन अब बात करते हैं बेसिक्स की, यानी जब दो ऑप्शंस हैं तो कैसे चूज किया जाए, ये आपसे जानना चाहेंगे। यानी किन के लिए एनआरई अकाउंट बेहतर हो सकता है और किन परिस्थितियों में एनआरओ अकाउंट बेहतर रहेगा, और दोनों में जो अंतर है वो भी आपसे जानना चाहेंगे मिस्टर रुंगटा। तो बेहतर ऑब्वियसली एनआरई अकाउंट ही है, लेकिन सब चीज़ें एनआरई में आप नहीं डाल सकते। तो अगर ब्रॉडली हम देखें तो जो पैसा आप भारत के पैसों से या भारत के असेट से कमाएंगे वो आपको एनआरओ अकाउंट, एनआरओ स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, एनआरई है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो पहले अगर हम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट की बात करें एनआरई की, तो जो भी पैसा आपने बाहर से भेजा, जो विदेशों से आपने पैसा भेजा, वो पैसा आप ऑब्वियसली हमेशा एनआरई अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि एनआरई अकाउंट से दो बड़ी सुविधाएं हैं। एक, एनआरई अकाउंट में जो भी ब्याज मिलता है आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरा, एनआरई अकाउंट से आप कभी भी वापस विदेशों में अपना पैसा भेज सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपने विदेश से पैसा भेजा है तो आप एनआरई अकाउंट में ही भेजेंगे। एनआरई अकाउंट से अगर आप समझो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, और वो प्रॉपरली नॉन रेसिडेंट केवाईसी के बाद अगर करेंगे, तो जब वो शेयर्स बिकेंगे या वो म्यूचुअल फंड्स बिकेंगे या उस शेयर या म्यूचुअल फंड से इनकम होगी कोई भी तरीके की, तो वो पैसे भी टैक्स कटने के बाद वो पैसे भी एनआरई अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाएंगे, और उधर से आप वापस उसको विदेश ले जा सकते हैं अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, उसमें कोई पेपर वर्क आपका लिए नहीं होगा। अब रहा सवाल, तो फिर एनआरओ होगा ही क्यों? वो इसलिए कि कई चीज़ें हैं जो आप एनआरई में क्रेडिट नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप जब विदेश गए उसके पहले से आपके पास यहाँ पे कोई असेट था, कोई अकाउंट था, इनफैक्ट अगर कोई बैंक अकाउंट था और फिर आप विदेश चले गए और अप्रवासी हो गए, तो वो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट उसको कन्वर्ट करना होता है। उससे आप पैसे स्वेच्छा से नहीं भेज सकते विदेशों में, और उस पे जो भी ब्याज मिलेगा वो भी टैक्सेबल है। तो जो चीजों का क्रेडिट एनआरई अकाउंट में मिल सकता है वो तो आप ऑब्वियसली एनआरई में लेंगे, बाकी सब चीजों के लिए एनआरओ अकाउंट है। जो पहले के पैसे हैं उससे जो भी इनकम होती है, जैसे आपने कहा अगर आपने घर खरीदा है उस पे कोई रेंट की इनकम हो रही है, तो वो इनकम एनआरई में क्रेडिट नहीं हो सकती, वो इनकम एनआरओ में ही क्रेडिट होगी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको बेचा है आपने, तो ऑब्वियसली वो टैक्स कटने के बाद जो है वो एक बार एनआरओ में ही आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद एनआरओ से एक लिमिट तक, एक सीमा तक आप पैसे या तो एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या बाहर भेज सकते हैं। तो अगर अगेन इसको मैं समराइज करूं, तो जो पैसे भारत के हैं और भारत से कमाए गए हैं वो, और जो अलाउड नहीं है एनआरई अकाउंट में रखना, उसके लिए एनआरओ अकाउंट है। जहां भी अलाउड होगा उसके लिए आपको हमेशा एनआरई अकाउंट में ही पैसे डालने चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेनिफिट्स एनआरई अकाउंट के भी हैं और एनआरओ अकाउंट की क्यों जरूरत होती है, क्या होता है वो आपने बताया। लेकिन जहां तक बात है टैक्सेबिलिटी की, वो आपने बताया कि जो एनआरई अकाउंट है पूरी तरह से, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो ब्याज मिल रहा है, उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन एनआरओ अकाउंट की जहां तक बात है, कोई डिविडेंड से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, रेंट से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, वो एनआरओ अकाउंट में जमा होगी और वो आपके उस पर टैक्स लगेगा। तो क्या ये स्लैब के आधार पर होगा टैक्स की जो कैलकुलेशन है? सो अप्रवासी भारतीय हो चाहे इंडियन रेसिडेंट हो, टैक्स का कैलकुलेशन सेम है। अप्रवासी भारतीय के लिए ऑब्वियसली जो भी इंडिया में उसको इनकम हो रही है उसका रिटर्न उसको उसी भांति बनाना पड़ेगा जैसे कि इंडियन रेसिडेंट बनाते हैं।
अगर उस इनकम में आपने डिविडेंड का नाम लिया, अगर डिविडेंड टैक्सेबल डिविडेंड नहीं है, कंपनी से मिली हुई डिविडेंड है जिसपे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया गया है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ये जो भी प्रोविजन रेसिडेंट्स के लिए है, वो सेम प्रोविजन नॉन रेसिडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, समझो उसे भाड़ा ही इतना मिल रहा है कि इनकम टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, तो उस पर रिटर्न भर के, उस पर रिटर्न फाइल करके जो भी उस पर टैक्स है वो उन्हें भरना होगा। TDS एडजस्ट होने के बाद या तो रिफंड होगा या उसे टैक्स भरना होगा। ठीक है, लास्टली जो जॉइंट होल्डिंग की जहां तक बात है, दोनों अकाउंट्स में थोड़ा फर्क है शायद। आप NRI अकाउंट में आप होल्ड तो कर सकते हैं उसको जॉइंटली, लेकिन कंपलसरली वो दूसरा जो शख्स है उसे भी NRI होना जरूरी है। NRO में अकाउंट में किस तरह की अभी क्या सिचुएशन है, क्या उसे जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं आप? नहीं, NRE अकाउंट में भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट होल्डर जो है, समझो आप अप्रवासी हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने पिताजी को जॉइंट होल्डर नहीं बना सकते जो रेसिडेंट हैं। आप उन्हें जॉइंट होल्डर बिल्कुल बना सकते हैं, उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं। उसका जो सेट नॉर्म्स हैं वो फॉलो करें, तो आप इवन इन एन NRE अकाउंट यू कैन हैव, आपके पास ये ऑप्शन है कि रेसिडेंट भी जॉइंट उसमें ओनर हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली द फर्स्ट नेम्ड पर्सन जो है वो NRI होना जरूरी है। NRO में वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो पैसे रेमिटेबल नहीं है। राइट, यानी अगर सिंपली इसको समझें कि दोनों अकाउंट्स जो हैं, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने फायदे हैं। जो रकम आपने विदेश में कमाई लेकिन आप इंडियन करेंसी में उसको भारत में भेजना चाहते हैं, उसके लिए NRE अकाउंट और उसके टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। NRO अकाउंट की जहां तक बात है, ऑर्डिनरी अकाउंट है, रुपए अकाउंट है ये भी, लेकिन यहां पर भारत में होने वाली जो रकम है, जो कमाई है, उसको यहां रखने के लिए रुपी करेंसी में आपको ये अकाउंट खोलना होता है। तो दोनों अलग अलग अकाउंट है, दोनों के फायदे हमने समझे एक्सपर्ट से, और ये पूरा मामला क्या था ये भी जानने की कोशिश की। शुक्रिया हर्ष सर, आपका समय निकाला आपने और बातचीत की। तो फिलहाल मनी गुरु की इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।